so uh, application of john watson's theory in real life context uh, is very beneficial because john watson talked about uh, uh, the feelings and emotions how to create the feelings and emotions and phobias and negative emotions and how can we remove these emotions and feelings and uh, by interacting with the environment that was actually the theme of the watson theory and watson did also the experiment

कुछ मेन पॉइंट्स उसमें से निकाले अपनी फाइंडिंग्स में से वो ये थे कि इफ़ वी क्रिएट अ केयरिंग रिलेशनशिप विद एनी वन दैट यू आर गिविंग द केयर टू द पर्सन एंड यू आर आल्सो जस्ट गिविंग द लव एंड एंडफेक्शन टू द पर्सन देन द पर्सन विल फील कंफर्टेबल विद यू एंड पर्सन विल रिस्पॉन्ड यू इन अ कम्फर्टेबल मैनर इन अ लविंग मैनर वैन यू शो द एंड दैन यू शो द एंगर टू एनी पर्सन देन यू विल रिसीव हेटर एंड एंगर इन रिस्पॉन्स तो यहाँ जो वो बात वो कह रहा है वाटसन वो ये कह रहा है कि वी नीड टू जस्ट रिफ्लेक्ट और लव एंड इफेक्शन एंड हाउ कैन वी रिफ्लेक्ट ओनली बाय सेइंग द वर्ड्स नो नॉट ओनली सेइंग बाय वर्ड्स व्हेन योर एक्शंस आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद योर वर्ड्स देन पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू वो कहेंगे ये सिर्फ बातों का ही सच्चा है अमल जब इसको करने के लिए कहते हैं तो ये बिल्कुल ज़ीरो है सो देर शुड बी balance बिटवीन योर वर्ड एंड योर एक्शंस अब यहाँ पे क्रिएट a caring रिलेशनशिप है तो वाडसन कहता है जैसे बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो उसने जो डर था वो पैदा किया उसके बाद ऐसा ऐसा मोहब्बत के साथ जो है वो डर ख़त्म किया ज़बरदस्ती मार के या पनिशमेंट से देने से किसी चीज़ का ख्याल आप किसी के दिमाग से नहीं निकाल सकते बल्कि आप लविंगली और अफेक्शन शो करने के साथ जो है ऐसा ऐसा बच्चे की नेगेटिविटी को जो है वो पॉजिटिवटी की तरफ ला सकते हैं फिर डिस्प्ले अनकंडिशन एक्सेप्टेंस के आ, 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 जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये आपके लिए अच्छी है तो बच्चे अनकंडीशनली अपने पेरेंट्स की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं टीचर की अनकंडीशनली बात को एक्सेप्ट करते हैं किसकी बात को हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं जिसके साथ हमें मोहब्बत होती है जिसके साथ हमारा बड़ा एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है उसको हम अनकंडीशनली अपने दोस्तों की बातों को भाई मेरे दोस्त ने कहा है इसलिए आई एल फॉलो इट माई टीचर सेट सो आई एल फॉलो इट माई पेरेंट सेट माई पेरेंट्स आर वेरी गुड दे आर आइडियल दे आर माई आइडियल सो आई एल फॉलो तो हम उसी को फॉलो करते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसी को देते हैं जिसके साथ हमारी एक स्ट्रॉग बॉन्डिंग होती है और जिसके साथ हमारा एक फीलिंग्स इमोशंस पॉजिटिवली जुड़े हुए होते हैं फिर अप्लाई है हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच विच इंक्लूड्स ट्रीटिंग द माइंड सोल एंड स्पिरिट एज वेल एज द बॉडी अब इसमें वो कह रहा है कि हमने सिर्फ माइंड को तब्दील नहीं करना हमने ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो एक बच्चे की ग्रोम करनी है उस ग्रोमिंग में उसकी सोल है सोल का मतलब है कि किसी अच्छी उसका जो ज़मीर है उसकी सुपर ईगो है वो किसी काम को करने की तरफ आती है नहीं आती तो रिस्पेक्ट आपने इनर से लेनी है मोहब्बत आपने इनर से लेनी है सिर्फ अल्फाज से नहीं लेनी हो सकता है आपके डर की वजह से वो आपके सामने बड़ा ओबीडियट हो जैसे हमारे सर्वेंट्स हैं अब वो हमारे डर से तो हमारे सारे काम करते हैं अंदर से आप बड़ा डिसलाइक करते हैं तो कभी ना कभी आपके साथ इस तरह का काम ज़रूर करेंगे जिससे वो अपना गुस्सा निकाल सकें जैसे चाय में नमक डाल दिया आपका खाना ख़राब कर दिया इसी से आपका ड्रेस जला दिया ये उनका एंगर है जिसको वो शो करते हैं तो ये चीज़ वो कह रहा है कि हमें इंसान को फ़िज़िकली तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते उसके एक्शंस को चेंज कर सकते हैं वो यहाँ माइंड से होगा माइंड जिसका आपने गुलाम बना लिया आप समझ लीजिए आपने इंसान को ग़ुलाम बना लिया तो चेंज हमेशा जो है आपके माइंड से आता है उसके साथ उसके वैसे ही इमोशंस हैं अगर आपके साथ उसके इमोशंस स्ट्रॉग होंगे पॉजिटिव होंगे तो मैंटली वो आपको लाइक like करता है और उसी तरह वही वाली चीज़ फॉलो करेगा जो आप उसको कह रहे हैं तो ये वो कह रहा है कि हमें जो भी तब्दीली लानी है हमें माइंड इमोशन और फिज़िकल से के एक्शन से ले हर चीज़ को जो है ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करना है फिर टेक टाइम टू हैव अन इंटरप्टिड मोमेंट्स विद द पेशेंट्स एंड वाट्सन रिफ़र्स टू दिस एज केयरिंग मोमेंट्स वो कहता है कि आपको तब्दीली लाने के लिए किसी इंसान के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए टाइम देना पड़ेगा यू नीड टू गिव टाइम एम्पल टाइम टू जो स्प्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन आपको जल्दी से एक बच्चे से ये कहना कि आज मैंने तुम्हें कहा है कि ये काम करो तुमने नहीं किया आपको उसको दस दिन पंद्रह दिन देने चाहिए कि वो अपनी इनर मोटिवेशन के साथ अपने आप को चेंज कर ले अगर आप अपने सर्वेंट को भी इसी तरह कहते हैं तो एक दफ़ा बात समझाइए दूसरी दफ़ा आप उसको पनिश करेंगे तो तीसरी दफ़ा आपको इसी तरह का ही काम मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था इंसान को चेंज करने के लिए उसके माइंड को इमोशंस को एक्शंस को हमें इंसानों को टाइम देना चाहिए गाइडलाइन देनी चाहिए फैसिलिटेट करना चाहिए ना कि उसको अथॉरिटेटिवली जो है वो चेंज करने की कोशिश फ़ौरन करनी चाहिए so this is the crux of the theory of the watson and uh, he explained that we can apply this theory in a real life context and uh, by by following these guidelines that whatever he explained so this is very useful theory for ourselves and uh, for everyone and uh, if we will apply this theory into our lives then we will be more benefited and more comfortable to understand the stimulus response relation and to make relation with people